है एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे, जो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक टॉपिक है, जो जिसमें गैस का एक्सचेंज कैसे होता है पूरे बॉडी में उसके बारे में बताया गया है। तो बिना टाइम गंवाए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता क्या है और किस तरह से होता है। तो देखो एल्विडाई जो होता है, देखो मुझे कुछ नहीं करना है, बस एनसीईआरटी की हर एक लाइन को मैं आपको रीडिंग करा के और उसका पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट करो, ठीक है। तो जो एल्विडाई होता है वो प्राइमरी साइट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी साइड, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है नीट में। दूसरा चीज़ जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ऑल्सो अकर, कहाँ पे भाई, तो ब्लड में, टिश्यू में। यानी कि कभी आपको ये नहीं सोचना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिर्फ और सिर्फ लंग्स लेवल पे होगा, ये ब्लड और टिश्यू लेवल पे भी होता है। तीसरी चीज़ कि जो ऑक्सीजन और CO2 होता है वो एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू। ये सिंपल डिफ्यूज़न आपको याद रखना है, ये किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है भाई, तो सिंपल डिफ्यूज़न से होता है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर मतलब नहीं लगता है, ठीक है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन और प्रेशर ग्रेडियंट पाया जाता है, इस वजह से नहीं लगता है, ठीक है। इसी बात से सोलबिलिटी होता है, सोलबिलिटी ऑफ द गैस, गैस की सोल्युबिलिटी पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ की थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन भी इसमें इन्वॉल्व होता है, और इसके अलावा ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न का, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को और भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वो कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस। देखो तुमने एक होता है प्रेशर, एक होता है पार्शियल प्रेशर, दोनों में क्या फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, सपोज़ करो तुम एक रूम में हो, उस रूम के अंदर तुम्हें ऑक्सीजन भी मिलेगा, CO2 भी मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा, अलग अलग गैसेस प्रेजेंट रहेंगे, तो उन सब गैस मिल करके, वो सारे गैसेस मिल करके जितना प्रेशर उस रूम में क्रिएट कर रहे हैं वो हो जाएगा उस रूम का टोटल प्रेशर। और उस रूम में जैसे नाइट्रोजन है तो उसका एक अपना प्रेशर है, ऑक्सीजन है उसका अपना प्रेशर है, सब लोग का अभी इंडिविजुअल लेवल पे कुछ ना कुछ प्रेशर है ना। जैसे तुम अगर क्लास में हो तो टोटल क्लास मिल करके भी पूरे कोचिंग में या पूरे स्कूल में या कॉलेज में एक प्रेशर बनाते हो, लेकिन अपने क्लास के अंदर हर एक स्टूडेंट का अपना खुद का एक प्रेशर होता है, खुद का एक पहचान होता है, तो उसी तरह हर गैस का भी होता है। तो जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर होता है उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं इतना डीपली इसलिए समझाती हूँ ताकि जो लोग भी, जिनका भी ज़रा सा भी कॉन्सेप्ट में डाउट है, उनका क्लियर हो जाए। मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही है वीडियोस बनाने का कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, जिस तरह मेरे टीचर्स मेरी और मेरे बैच वालों की या फिर हम सब की, उन लोगों ने जिस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर किया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं अभी आपको समझा सकती हूँ। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो से अगर ज़रा सी भी हेल्प हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है इंडिविजुअल लेवल पर उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, CO2 का पार्शियल प्रेशर है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ये हमारा नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है। किसी और गैस का लिखना होगा तो वो भी, फॉर एग्जांपल ये किसी भी गैस का है, ठीक है, ये किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर है। इसके अलावा क्या होता है, ये पार्शियल प्रेशर होता है दो गैसेस का, यहाँ पे वही बात है कि ऑक्सीजन और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो टेबल 14.1 में दिया हुआ है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिगर में 14.3 में भी, फिगर जो है उसमें भी इस चीज़ को दिखाया गया है, तो वही डेटा यहाँ पे है। लेकिन हाँ, ये डेटा को, इस टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्वेश्चन आए तो ये टेबल उन लोग ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो इस टेबल में है क्या, ये है रेस्पिरेटरी गैस, ये है एटमोस्फेरिक एयर एल्विडाई, ब्लड यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कि वेन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते, कहाँ पे पाया जाता है, वेन में पाया जाता है, तो ये वेन का प्रेशर दिया गया है। और ये आर्ट्रियल ब्लड, चूँकि ये प्योर ब्लड है,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका प्रेशर है। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, या फिर जो इम्प्योर ब्लड है उसमें ऑक्सीजन पूरी तरह से गायब है, सिर्फ और सिर्फ CO2 है। तो बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के कन्फ्यूज़ होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है, रियलिटी ये नहीं होती है। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड से मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, लेकिन कंपेयर टू CO2, CO2 की कंपैरिजन में ऑक्सीजन जो है वो कम है। जैसे आप हो और आपका फ्रेंड है, उसका मान लिया आया है 420 और आपका आया है 415 मार्क्स टेस्ट की, कोई आपने टेस्ट दिया था उसमें उसका नंबर इतना है, आपका नंबर इतना है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने ही सिर्फ पढ़ाई किया था, आपने नहीं किया था। आप इस डेटा के बेसिस पे आप उसको ये थोड़ी बोल सकते हो, या फिर आप क्या, कोई नहीं ये थोड़ी बोल सकता है कि नहीं वो नंबर सिर्फ उसी को आया, आपको कोई नंबर नहीं आया है। ऑफकोर्स आपको भी आया है, लेकिन उसके कंपेरिजन में आपको कम आया है, तो जाहिर सी बात है उसका नाम पहले आएगा आपका बाद में आएगा। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन में, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है ब्लड के अंदर तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, अगर CO2 ज़्यादा है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ों देखो इसके आगे अब क्या होता है कि एटमोसफेयर में, यानी कि आउटसाइड द बॉडी, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो 159 होता है, इसको तुम्हें याद रखना है। एल्विओलाई का कितना होता है, तो 104, 104, यानी कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, एल्विओलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होता है। देखो बच्चों यहाँ पे घट रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे था, बाहर में था, फिर एल्विओलाई में है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है। उसके बाद देखो टिश्यू पे, मतलब कि ये टिश्यू में, यहाँ पे टिश्यू है और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड, यह दोनों जगह 40-40 है, यानी कि इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में नहीं जा सकता है, या टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, तो रीज़न ये है कि मैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ब्रीदिंग होता है, चाहे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, उसमें पार्शियल प्रेशर का सारा खेल पार्शियल प्रेशर का है, और पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। ग्रेडियंट अगर मान लो वो ग्रेडियंट उसमें है तो ऑफकोर्स वो फ्लो ऑफ गैसेस होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। यहाँ पे तो ग्रेडियंट बन ही नहीं रहा है, जितना इसका है उतना ही इसका भी है, तो क्यों ही फ्लो करेगा, तो यहाँ पे कभी भी फ्लो नहीं होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो है कि CO2 का भी पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, CO2 का पार्शियल प्रेशर सबसे कम, अब जितना उल्टा चलेगा, ऑक्सीजन में क्या हो रहा था कि एटमोसफेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा था, लेकिन CO2 के केस में CO2 एटमोसफेयर में सबसे कम है, सबसे ज़्यादा तो फिर कहाँ है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यानी कि 45, और टिश्यू में भी 45 है। ठीक है, ब्लड में 40 होता है, एल्विओलाई में भी 40 होता है। तो देखो उल्टा चल रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन जो था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 था ना, लेकिन ये उल्टा चल रहा है। तो इस वाले टेबल को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखो इस फिगर को भी आपको समझना पड़ेगा, इस फिगर में क्या कहा गया है। बेसिकली ये कहा गया है कि ये जो इंस्पायर्ड एयर होता है ना, वो इंस्पायर्ड एयर बाहर में है, ठीक है, बाहर से लंग्स के अंदर आया, तो लंग्स में देखो पार्शियल प्रेशर का कितना है, 104 है, और CO2 का कितना है, 40 है। तो बाहर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा था इसलिए अंदर आया, फिर यहाँ आने के बाद वो जाएगा इस रास्ते में, यानी कि पल्मोनरी वेन में जाएगा, पल्मोनरी वेन से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन से ये फिर पूरे बॉडी में गया, फिर यहाँ से फिर सिस्टमिक वेन में गया, वापस वो हार्ट में जाएगा, हार्ट फिर हार्ट में जो ऑरिकल्स होता है वो ऑरिकल्स में पहले जाएगा, यानी कि राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए पूरे ब्लड को जिसमें CO2 ज़्यादा है उसको भेज देगा लंग्स के पास, और लंग्स क्या करेगा कि उसको बाहर भेज देगा। तो ये इस पूरे डायग्राम का मतलब यही हुआ। एक बार मैं फिर से आपको ब्रीफ कर रही हूँ कि देखो बाहर में है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा बाहर से है।